नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IAS Prep पर और साथ में UPSCTarget.com पर। चलिए देख लेते हैं आंसर राइटिंग के लिए आज के प्रश्न। पेपर फर्स्ट का पहला प्रश्न, यहाँ पे जो 8 प्रश्न हम डिस्कस करते हैं, हर पेपर के 2 प्रश्न होते हैं, तो पेपर फर्स्ट का जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं। दूसरी हरित क्रांति की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 200 शब्दों में मैंने ये लिखा है आपसे कि 200 शब्द में आपको ये लिखना है। आप इसको 150 शब्द से कम मत लिखिएगा, ज़्यादा शब्द भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ये निबंधात्मक प्रश्न है। प्रथम हरित क्रांति जो रही वो असफल रही क्योंकि उसका क्षेत्र कुछ राज्यों कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित था, उसका जो विस्तार था। दूसरी हरित क्रांति की क्या आवश्यकता है और क्या ये घटित हो चुकी है या अभी और इसको अच्छे से करने की ज़रूरत है, प्रथम की तरह और उससे भी और बेटर करने की, तो इन चीज़ों पर आप प्रकाश डालिएगा। कई बार लोग कहते हैं दूसरी हरित क्रांति तो चल ही रही है, हो गई है, जैसा भी है आप अपने विचार जरूर इस पर प्रस्तुत करें। एग्रीकल्चर का ये प्रश्न आप मान सकते हैं और साथ में ये प्रश्न जो है वो आपको किसी भी सेगमेंट में, भूगोल में भी आपको मिल सकता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है पेपर फर्स्ट का ही, उत्तर प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसलें कौन सी हैं ये आपको बताना है और उनको और अधिक लाभकारी बनाने के क्या प्रयास किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप गन्ने का उदाहरण दे रहे हैं, तो गन्ने की उपज को या उनमें चीनी की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, इस पे आप 200 शब्दों में उत्तर देंगे। ज़्यादा शब्द देने का मतलब है कि आप खुलकर लिख पाएं। पेपर टू का पहला प्रश्न, पेपर टू का पहला प्रश्न है नीति आयोग तथा योजना आयोग में अंतर व समानताएं बताइए। दोनों का आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है। पहले योजना आयोग था, उसको रिप्लेस करके नीति आयोग लाया गया। नीति आयोग जो कार्य कर रहा है, क्या योजना आयोग की जगह ही कार्य कर रहा है या योजना आयोग दूसरे तरह की बॉडी थी और नीति आयोग दूसरे तरह की बॉडी है, आपको जो भी समझ में आ रहा है अंतर और समानताएं दोनों आपको बताना है। अब पेपर टू का दूसरा प्रश्न हमको देखना है, भारत में संघवाद की प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। संघवाद की क्या चुनौतियां हैं, तो ये नीति आयोग और योजना आयोग भी 150 शब्द में लिखना है और संघवाद की चुनौतियों को भी 150 शब्दों में ही आपको लिखना है, चुनौतियों को बताइएगा। पेपर थर्ड का पहला प्रश्न, ब्लू इकोनॉमी क्या है, भारत में इसके विकास की क्या संभावनाएं हैं, इन संभावनाओं का विश्लेषण आपको करना है 150 शब्दों में। ब्लू इकोनॉमी का पहले बताइएगा 50-60 शब्दों में और इसके विकास की संभावनाओं पर आप 100 शब्दों में लगभग चर्चा कीजिएगा। अच्छा प्रश्न है, प्रासंगिक है, करंट अफेयर में ये मुद्दा छाया रहता है अक्सर। पेपर थर्ड का दूसरा प्रश्न है, काम पाने के अधिकार के साथ जुड़े आर्थिक प्रश्नों का उल्लेख करते हुए उनको संक्षेप में समझाइए, तो 150 शब्दों में यह है। और काम पाने का अधिकार, अब ये आप लिखिएगा, इसमें आप अनुच्छेदों का जिक्र भी कर सकते हैं और बहुत सारी योजनाएं जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं उनको बता सकते हैं उदाहरण के तौर पर कि देखिए ऐसा होता है। पेपर फोर्थ एथिक्स का पेपर, इसका पहला प्रश्न, भावात्मक प्रज्ञता क्या है या किसी व्यक्ति को नैतिक निर्णय लेने में किस प्रकार मदद करती है, 150 शब्दों में उत्तर दीजिएगा। 50 शब्दों में बताइएगा भावात्मक प्रज्ञता क्या है और 100 शब्दों में आप ये बताइएगा। ऐसे ही पार्ट में बांटा जाता है क्वेश्चन को, तो अच्छा आंसर लिख जाता है। पेपर फोर्थ का दूसरा प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में हित संघर्ष तब उत्पन्न होता है जब निम्नलिखित की एक दूसरे के ऊपर प्राथमिकता रखते हैं। इसमें ए है पदीय कर्तव्य, बी है सार्वजनिक हित, सी है व्यक्तिगत हित। प्रश्न है कि प्रशासन में इस संघर्ष को कैसे सुलझाया जा सकता है, उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये तीनों चीज़ों को आप डिफाइन करेंगे और प्रशासन में ये जो संघर्ष होता है इसको कैसे आप सुलझाएंगे, ये चीज़ आपको बतानी है, ठीक है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर आप लिखेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और आप निश्चित तौर पर अगर उत्तर लिख रहे हैं तो आपको फ़ायदा मिलना ही है, आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, बसरते आप उत्तर को लिखते रहें, ठीक है। और आप अगर सोच रहे हैं कि आप बिना उत्तर लिखे पास हो जाएंगे तो ये बड़ा मुश्किल है, कोई दैवीय शक्ति आ जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आपको अगर करना है तो आपको उत्तर लिख के ही पास करना पड़ेगा, ठीक है। आप उत्तर लिख के पोस्ट कीजिएगा और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। ऑल द